नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस YouTube चैनल पर आप लोगों को आरस अग्रवाल की जो बुक है उसका सोल्यूशन करा रहा हूं। और मैंने इस आरस अग्रवाल की जो बुक था उसका नंबर सिस्टम करा दिया है और LCM सब चल रहा है। उससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसका नाम था डिजिटल सम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो नंबर सिस्टम की वीडियोज को भी देखिए और डीएस कॉन्सेप्ट को देखिए। और एलसीएम एचसीएफ मैंने शुरू किया था। एलसीएम एचसीएफ में हमने उसके बेसिक पार्ट भी बता दिया कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। उसके बाद मैंने पहली संख्या बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन करा दिए मैंने आप लोगों को। और अब कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारी तीन वीडियोज आ चुकी हैं एलसीएम एचसीएफ पे, ये चौथी वीडियोज बन आएगी आप लोगों के सामने। तो इसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर हमने इससे पहले जितने कराया था उससे आगे की बात है। उससे आगे किधर कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, तेरा दो संख्याओं का लघु दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग कितना 680 है, यानी कि HCF प्लस LCM HCF प्लस LCM बराबर कितना है 680 है तथा लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है यानी 84 गुना है। ये कह रहा है कि जो हमारा LCM है वो 84 गुना किसका है, HCF का। कितना हमें क्वेश्चन में दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, कह रहा है कि पहली संख्या अगर यहाँ पे लिख दो पहली संख्या जो कितनी है 56 है, पहली संख्या कितनी है 56 है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, आप देखिए यहाँ पे LCM लिखा है, ये LCM लिखा है, LCM बराबर किसके है 84 HCF के बराबर है। तो हम क्या करते हैं इस वाली इक्वेशन में जहाँ पे LCM लिखा है वहां पे LCM का मान क्या रख सकते हैं 84 HCF रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा HCF प्लस 84 HCF इसका इक्वल टू किसका होगा, ये 680। अब क्या होगा देखो 85 हो जाएगा, ये 85 HCF इक्वल टू 680। अब देखो किससे कटेगा, ये 17 से 17 से कट जाएगा, 17 25 85 और 17 64 40 और 5 9 40 यानी हमारा HCF कितना आ जाएगा 8 और हमारा LCM कितना होगा, LCM हमारा होगा आपको क्या सर 84 और HCF की गुणा 8 ये हमारा हो जाएगा HCF LCM और ये हमारा क्या है HCF और एक संख्या हमारी दे रखी है। तो मैंने आपको फार्मूला क्या सिखाया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता था LCM इंटू HCF। मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसलिए नहीं की क्योंकि कट जाना है। आगे देखो दिखाता हूँ तुम्हें, पहली संख्या कहाँ ये 56, दूसरी संख्या निकालनी है, LCM कितना है 8 गुणा 84 और HCF कितना है 8। तो देखो ये कट जाएगा 8 7 56, 7 से कितनी बार कटेगा 7 51 7 और ये कितना हो जाएगा 7 51 7 यहाँ बचा 1 7 2 14 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12 8 96। तो सेकंड संख्या दूसरी संख्या क्या मिलेगी आप लोगों को 96, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 15:11, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है और क्या देखा कि HCF कितना है 13। अब आप एक बात बताओ, मैंने तुम्हें जब एक फार्मूला बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM
इंटू एचसीएफ, ये बात मैंने आप लोगों को बता रखी थी। इसमें मैंने क्या बताई थी कि संख्या के साथ जो होता है, संख्या हमारी होती है, उनके साथ एचसीएफ हमेशा साथ में होता है, यानी कि संख्या के साथ हमेशा एचसीएफ क्या होता है, साथ में होता है। इसके मतलब हमारी संख्या होगी उनके साथ क्या होगा, एचसीएफ उनके बीच में साथ में होगा। तो इसके मतलब हमारी संख्या 15 है, मतलब 15 को तुम क्या करो 13 से गुणा करो, और 11 को क्या करो आप 13 से गुणा करो, और जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 15 3 45 कितना है, 4 से 6 और 15 1 15 और 15 4 19 195। एक संख्या क्या हो गई 195, दूसरी संख्या क्या होगी 11 3 33 11 1 11 और कितना हो गया 143। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 195 और 143, ये हमारा आंसर है। नोट, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, मतलब दो संख्याएं का अनुपात कितना है 2:3 है, और हमारा एलसीएम कितना दे रखा है इसमें, तथा एलसीएम कितना है लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है, एलसीएम कितना है, एलसीएम है 150। तो तुमसे संख्या पूछे, तो संख्याएं निकालने क्या करना है, जब आप लोगों को एचसीएफ दे रखा हो तो संख्या के अनुपात में क्या करनी है, गुणा करनी है। जब आप लोगों को एचसीएफ दे रखा हो और तुमसे संख्याएं पूछी हो तो क्या करना, जो अनुपात दे रखा है संख्याओं के उनके बीच में उनकी क्या करनी है, एचसीएफ की गुणा करनी है। जब आप लोगों को एलसीएम दे रखा हो तो एलसीएम में क्या करना, संख्याओं का भाग करना है। तो एक बार तुम क्या करो 150 में 2 से भाग दे दो, फिर दूसरी बार में 150 में 3 से भाग दे दो, तो संख्याएं क्या मिलेंगी, 2 7 14 बचेगा, 1 2 5 10 और यहाँ कितना बचेगा 3 5 15 यानी 50 75 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार में फिर बता दे रहा हूँ आप लोगों को, मैंने कहा जब तुम्हें संख्या दे रखी हो और एचसीएफ दे रखा हो तो क्या करना, जो एचसीएफ दे रखा उनमें संख्याओं में क्या करो गुणा कर दो, और जब आपको एलसीएम दे रखा हो और संख्याएं पूछी हो तो क्या करना, संख्याओं जो संख्या का अनुपात है उन संख्याओं का एलसीएम में भाग दे दो, इस तरीके से हमारा आंसर मिल जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, यानी दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 8। दो संख्याओं का एचसीएफ आता तो नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन 24, दूसरा 48, तीसरा 56 और चौथा 60। जो संख्या 8 से नहीं कटेगी वो संख्या कभी भी हमारा एलसीएम नहीं हो सकती। तो देखो 8 से ये कट रही, ये आंसर नहीं, 8 से एक ही संख्या है जो 60 नहीं कट रही, बाकी 8 7 56 48 भी कट रही, 24 भी कट रही, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो संख्या 8 से नहीं कटेगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 33,750 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा, इन संख्याओं का योग कितना होगा, इन संख्याओं का योग कितना होगा। देखो क्या करना है, फिर दो संख्याएं हमने आपको पहले बताया था, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक फार्मूला बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारी संख्याएं होती हैं उसके साथ क्या होता है, एचसीएफ हमेशा साथ में जुड़ा होता है, मतलब मल्टीपल में होता है। तो इसका मतलब हमारी जो संख्या है उसका एचसीएफ कुछ ना कुछ होगा, तो हमने एचसीएफ मान लिया कि मानना
जो एचसीएफ है वो कितना है एक्स, और संख्याएं संख्याएं का अनुपात कितना दे रखा 2:3। तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमारी संख्याएं हो जाएंगी 2x और 3x। पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या 2x। तो देखो फार्मूला लगाओ इसमें, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू कितना दे रखा 33,750। अब जो 3 × 2 = 6, ये कितना हो जाएगा 6×5 = 30, कितना बचेगा 3, कितना हो गया 6×6 = 36, और कितना बचा 6×2 = 12, 6×5 = 30, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 56। 56 क्या होता है, 75 का स्क्वायर होता है, यानी एक्स का मान कितना आ गया 75, एक्स का मान आ गया 75। यानी कि अब इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो हम क्या करते हैं इसका 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 योग करोगे कितना आएगा, टोटल आएगा 5x, यानी कि हमसे 5x की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ क्या करना 5 से गुणा कर दो, 5x का मतलब 5 से गुणा करना है, यानी कि 75 × 5, तो कितना आ जाएगा 25×5 = 5, आंसर आए 2, 7×35 = 36, 37, यानी कि 375 क्वेश्चन का आंसर हो, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 का कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है, तथा लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का योगफल 403 है, यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी या कितनी होगी। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी दिया पीछा, इसे भी देख लो, पीछे करवाया था, देख लो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है, और इससे अगली लाइन दे रही है लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का योगफल कितना है 403, यानी कि LCM प्लस HCF प्लस मैसे बराबर कितना है 403, इतना हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसके बाद क्या दे रखा है, जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक है ना वो महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है, यानी कि जो हमारा LCM है ना वो 12 गुना है किसका HCF का, ये भी बात हमें क्वेश्चन में दे रखी। अब देखो पिछले क्वेश्चन की तरह हम LCM की जगह पर क्या लिख सकते हैं 12 HCF लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 HCF प्लस के HCF इक्वल टू 403, 403 12 और 13 HCF हो जाएगा 403, और जब आप इसे काटोगे तो ये कट जाएगा 31 बार, यानी HCF की वैल्यू कितनी आ गई 31, और हम LCM की वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी 12×31, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि जाके बराबर हम करेंगे, जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा 31×31 कट जाएगा। उधर देखो अभी दिखाता हूँ आपको फार्मूला क्या बताया था इसका, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इनटू HCF, ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा, कई बार रिपीट कर दिया मैंने। पहली संख्या देखो इसमें दे रखी है क्या है, एक संख्या 93 दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी गई है, LCM आया है इसका 12×31 और HCF आया था इसका 31, तो देखो 31×93 और 3×4 = 12, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 4×1 = 4 और 4×3 = 12, 124, तो हमसे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, इसे भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, कह रहा दो संख्याओं का योगफल, मैंने मान ली संख्या, मान ली क्या, माना संख्याएं क्या है x और y मान ली, दो संख्या मान ली, तो क्या कह रहा है इन दो संख्याओं का योगफल कितना है, यानी x + y, बड़ा बड़ा x + y बराबर क्या है
45। इन संख्याओं का अंतर मतलब जो x माइनस वाई है ना, जो इसका अंतर है इसके योग का, इसका योग कितना है 45, यानी 45 का कितना है 1/9, यानी कि इसका अंतर कितना है क्या 5, 9 × 5 = 45, x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 45। तो आप समीकरण इसकी बना सकते हो कैसे, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 45 और x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब क्या करो, प्लस माइनस कट जाएगा भाई, यहाँ से 2x आएगा, ये बन जाएगा 50, यानी x बराबर कितना आ गया 25। और जब x की वैल्यू आप 25 करोगे, इधर जाओगे कितना आएगा y बराबर 20। संख्याएं मिल गई 20 और 25, यानी कि हमारा इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका 25 और 20 का, 25 और 20 का एलसीएम होगा 100, और इसका आंसर क्या होगा 100। कैसे एलसीएम होगा, देखो एक विधि और एलसीएम निकालने की मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ी संख्या क्या है 25 यहाँ पे ले ली, 5 को तुम क्या लिख सकते हो 5 × 4 लिख सकते हो, तो देखो 5 तो 25 में आ गया, एक 4 की कमी है, 4 और बढ़ा लो तो कितना आ जाएगा 100, एलसीएम कितना है 100। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसे भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तेरा दो संख्याओं में से प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 273 है, इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो देखो आप, हमने मान ली कि संख्या क्या है, मान लो माना संख्या क्या है x और y है, संख्या क्या x और y है, तो मैंने आपको बताया था जो HCF होता है वो संख्याओं के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, तो मैंने कहा यहाँ क्या करोगे 13x × 13y, संख्याओं के साथ क्या होगा HCF आ जाता है, उसके बाद HCF कितना 13 और इसका LCM कितना है 273। आप देखो एक 13 से 13 कट गया, इस 13 से क्या हुआ 13 × 26, 13 × 13 यानी x × y बराबर कितना हो गया 21। अब 21 के तुम ऐसे गुणनखंड करो कि मल्टीप्लाई तो आए 21 और 13 से बड़े पूछे, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो 3 और 7, 7 × 21, इसके दो ही अभाज्य गुणनखंड बनाने होते हैं इसके, तो इसके एक यही अभाज्य गुणनखंड बनेगा 3 और 7। अब हमसे पूछा कि इसका योग क्या होगा, मतलब कि इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्या क्या हो जाएगी, एक को आप एक्स के यहाँ पे 3 रख दो तो कितनी हो जाएगी 13 × 3 प्लस के 13 × 7। अब देखो यहाँ से करो 13 कॉमन ले लो, 13 कॉमन ले लिया और इनके बीच में जोड़ दो 7 × 3 = 10, यानी कि इसके बीच में क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, तो 13 के 10 में गुणा करो कितना आ जाएगा 130। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 130, नोट डाउन कर लीजिए।